आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की बहुत ही फेवरेट डिश ब्रेड पुडिंग, जो कि हम बिना अंडे के बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने सामान ले लिया है थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं व्हाइट ब्रेड के, इसके मैंने कॉर्नर्स कट करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर लिया है, 1/2 कप चीनी ली है और 2 छोटे चम्मच मैंने मिल्क पाउडर के लिए है, 1 कप दूध लिया है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले हमें जिस बर्तन में पुडिंग बनानी है उसमें हम शुगर को कैरमलाइज करेंगे। आप चाहें तो केक टिन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा स्टील का भगोना ले लिया है। तो जो हमने 1/2 कप चीनी ली है उसी में से हम 2 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब। बहुत ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, इसको हम चलाते रहेंगे तब तक जब तक हमारी शुगर मेल्ट ना हो जाए, जिसका कलर ना चेंज हो जाए। इसको हमें लगातार चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसको कैरामलाइज होने में और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर रखी है। शुगर हमारी मेल्ट होने लग गई है। हमने बर्तन को चेंज कर दिया है, वो मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था इसलिए हमने इसको इसमें ट्रांसफर कर लिया है। किचन केक टिन हमारे पास पड़ा था तो इसको हम इसमें बनाएंगे। तो चीनी हमारी मेल्ट हो गई, इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। इस तरीके से चलाते हुए इसको हम पका लेंगे। देखिए हमारी शुगर कैरमलाइज हो गई है। हम ये गैस बंद कर देंगे और इसको इसी बर्तन में छोड़ देंगे और इसको एक साइड रख देंगे जब तक हम अपने पुडिंग की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस जो ब्रेड के लिए थे इसको हम तोड़कर इसका पाउडर बना लेंगे। अगर 2 से 3 दिन की पुरानी ब्रेड है तो आप उसका भी बना सकते हैं। इसका हम पाउडर बना लेंगे। ब्रेड को हमने पीस लिया है, कतरम बना लिया है और यहाँ पे मैंने सॉस पैन रख लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले 1 कप दूध जो हमने लिया था। दूध में हमारे उबाल जब तक आएगा तब तक हमने जो कस्टर्ड पाउडर लिया उसको हम 1/2 कप दूध हमने और ले लिया है। इसमें से थोड़ा सा दूध डालकर इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। तरीके से और ये जो बाकी का बचा दूध है वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। हमने कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार कर लिए हैं। दूध में हम उबाल आने देंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखी है। दूध में हमारे उबाल आने वाला है तो यहीं पे हम 1/2 कप हमने जो चीनी ली है वो ऐड कर देंगे और चीनी को हम अच्छे से दूध में घुल जाने देंगे। दूध में हमारे उबाल आने लग गया है, चीनी भी हमारी अच्छी तरीके से घुल गई है। हमने जो 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है ये भी डाल देंगे इसी में। इसको भी हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। मिल्क पाउडर भी हमारे अच्छी तरीके से मिल गया है दूध में। तो इस जो हमने कस्टर्ड पाउडर बनाया ये थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इसमें और चलाते रहेंगे। 8 मीडियम पर रखेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालते ही ये ठीक होने लगेगा। देखिए दूध हमारा गाढ़ा होने लग गया है। अभी जो बाकी का बचा है हम ये भी ऐड कर देंगे। इसको मीडियम आंच पर चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये पकने लग गया है, यहीं पे हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको भी हम मिला देंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हमें इसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए हम पकाएंगे इसको।
है, अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा हम पका लेंगे इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए। एक से 1.5 मिनट हो गए हैं, अब गैस हम यहीं पे बंद कर देंगे और हमने जो ब्रेड क्रम बनाया है थोड़ा थोड़ा करके वो इसमें हम मिलाते जाएंगे, एक साथ नहीं डालना है, अगर बाय चांस ज्यादा होता है तो हम हटा भी लेंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे। मैंने 4 स्लाइस लिए थे ब्रेड के, 3 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर का लिया था, 2 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया था, इसको मिलाते रहेंगे तरीके से, थोड़ा थोड़ा करके ये भी डालते रहेंगे। बाकी का बचा हुआ ब्रेड क्रम ये भी ऐड कर देंगे, इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी हमारा दो तैयार हो गए हैं, तो जो हमने इसमें कैरेमलाइज की थी चीनी, इस घोल को हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इसको हम कुकर में बना रहे हैं, आप चाहें तो भगोने में या कढ़ाई में किसी में भी बना सकते हैं। इसको हम इक्वल कर देंगे सब तरफ से। और यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है प्री हीट होने के लिए, या आपके पास इडली मेकर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। ये मैंने कुकर रख लिए हैं और इसमें मैंने 1 कटोरी रख दी है, आप चाहे तो स्टैंड भी रख सकते हैं। इसमें मैंने पानी डाल दिया है और 2 गिलास मैंने पानी कुकर में डाल दिया है, ताकि 1 कटोरी में पानी इसलिए डाला है कि इधर उधर हिले नहीं। अब इसको हम गर्म कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से। कुकर को रखे हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से गर्म हो चुका है, इसका पानी भी उबलने लग गया है, तो यहाँ पे गैस हम कम कर देंगे और बहुत ही सावधानी से हमें इस बर्तन को रखना है। आप चाहें तो कुकर पानी की जगह नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और इसका मैंने सीटी इसकी हटा दी है, रबड़ लगा हुआ है। अब इसको हम बंद कर देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम मीडियम आंच पर पकाएंगे, उसके बाद 25 से 30 मिनट के लिए हम इसको लो आंच पर पकाएंगे बिल्कुल। पौन घंटे के करीब हो गए हैं इसको पकाते हुए, 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम आंच पर रखा था। इसमें मैंने फॉइल पेपर लगा दिया था, जो मैंने आपको नहीं दिखाया है, तो फॉइल पेपर जरूर लगाना है ताकि जो इसमें भाप बने वो इसके ऊपर ही जाए। और अब इसको मैंने 30 से 35 मिनट के लिए एकदम स्लो हीट पर पका लिया है, तो इसका हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो गया तो हम नाइफ डाल के यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर इसमें बेटर लग के आ रहा है तो इसका मतलब अभी ये पका नहीं है। नाइफ हमारा बिल्कुल क्लीन बाहर आया है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसको हम फॉइल पेपर हटा के देख लेंगे, देखिए ये हमारी पुडिंग बनकर तैयार हो गई है। तो हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, आधा से 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए इसको, उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। देखिए 1 घंटे के लिए हमने इसको फ्रीजर में रख दिया था सेट होने के लिए, अब हमारी पुडिंग अच्छे से सेट हो गई, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है, देखिए कितने अच्छे से हमारी पुडिंग सेट होकर तैयार हो गई है। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है, उतनी ही खाने में भी ये टेस्टी होती है, ये देखिए। और ये बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट चीज है, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और आप मेरे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।